नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। द होराइजन के संस्थापक स्वर्गीय ब्रजेंद्र नारायण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आज गढ़वार स्थित द होराइजन स्कूल के संस्थापक श्री ब्रजेंद्र नारायण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सीनियर डायरेक्टर श्री अवय नारायण सिंह, डायरेक्टर श्री विजय कुमार सिंह, विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री एस सिंह जी व प्रशासिका अलका शर्मा ने प्रतिमा को माल्यार्पण कर अनावरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के उमाशंकर सिंह जी व समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में लहरी सिंह, कृपा शंकर जी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री लहरी सिंह ने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र नारायण सिंह उर्फ लल्लू बाबू के द्वारा समाज जीवन में किए गए विभिन्न सत्कार्यों की चर्चा भी की। विजय कुमार सिंह विद्यालय के प्रांगण में किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं? ये बड़े बाबू जी स्वर्गीय ब्रजेंद्र नारायण सिंह के मूर्ति का अनावरण आज हम लोग करेंगे और यही कार्यक्रम है जी। इस मौके पर लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनका एक सोच और प्रयास था कि यहाँ पर एक विद्यालय स्थापित हो, जो उन्होंने किया और उसको आगे बढ़ाते हुए इस रूप में विद्यालय आज यहाँ खड़ा है। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को शिक्षित किया जाए। नाम पते बता दें। लहरी सिंह, गांव रूपवार, भगवानपुर, जनपद बलिया। आज इस विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहे हैं, आप आए हुए हैं? इस विद्यालय के संस्थापक ब्रजेंद्र नारायण सिंह की मूर्ति का अनावरण है, उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं जी। जी, जिस मूर्ति का अनावरण होने वाला है, इन मूर्ति के विषय में कुछ बातें बताने की कृपा करें। ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, सबसे मिलनसार, सबके यहाँ जाना आना, उठना बैठना, साथ रहना, हम लोगों के साथ नगरा बाजार में हम लोग एक साथ रहते थे, सबसे मिलना जुलना था सारे जी। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ तक तो आश्रम में लोग छोड़ कर आ जाते हैं, उसी स्थिति में आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं जो लोग अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं करते? सबको अपने माता पिता का बुढ़ापे में सम्मान करना चाहिए, उन्हीं के जरिए हम हुए हैं, दूसरे लोग हुए हैं, तो उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? इसलिए सारे लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं संजय सिंह, एस सिंह, इस स्कूल का, द होराइजन स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, 2007 से यहाँ हूँ, और एक प्रिंसिपल के रूप में और कहीं ना कहीं एक पारिवारिक सदस्य के रूप में इस पूरे परिवार से बहुत ही नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ। इस स्कूल की स्थापना 2004 में स्वर्गीय ब्रजेंद्र नारायण सिंह, जो इसके संस्थापक रहे, उन्होंने किया, और कहीं उनका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे शिक्षा का की एक कमी थी जिसको वो महसूस किया करते थे। वो कई स्कूलों के मैनेजर रहे, बाजोरिया डिग्री कॉलेज के मैनेजर थे और भी कई संस्थाओं के मैनेजर थे, तो अपने 6 पुत्रों को उन्होंने कहा कि कोलकाता में इतनी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी आप चलाते हो, इसका फ़ायदा शायद अपने जनपद के लोगों को उस तरह से नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, तो क्यों ना यहाँ पे एक छोटा स्कूल ऐसा शुरू किया जाए जिसमें अच्छी शिक्षा भी मिले और अफोर्डेबल हो, आसानी से जिसको लोग पा सकें, उनकी अप्रोच के अंदर हो, इसको लेकर के उन्होंने ये स्कूल शुरू किया है इस विजन से। और अभी बलिया के 10 अच्छे स्कूलों में इसका नाम है, रिजल्ट की दृष्टि से देखें या फिर एक इसकी, इसका जो सामाजिक परिवेश है उस दृष्टि से देखें, और
निश्चित रूप से बलिया में अगर डिसिप्लिनड स्कूल और डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उसमें शायद ये टॉप 3 स्कूल्स में है। तो इस विजन के साथ उन्होंने इस स्कूल को शुरू किया। जी, आज उनका मूर्ति का अनावरण है और इस मूर्ति पर क्या उपलब्ध सब कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ब्रजेंद्र नारायण सिंह से मैं मिल तो नहीं सका, लेकिन जितने लोगों से उनके बारे में मैंने सुना वो हमेशा ही ये सुनने को मिला कि एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने वसूलों पर समझौता नहीं किया और जिन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख दी, एक सीख दी कि कैसे प्यार से रहा जाता है, कैसे एक दूसरे की इज्जत की जाती है, कैसे संस्कारों में पला जाता है। और आज जबकि हम लोग न्यूक्लियस फैमिली में और छोटे छोटे परिवारों में विभक्त हो रहे हैं,